गुड मॉर्निंग। तो देखेंगे हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज। देख सकते हैं स्नातक पार्ट वन के ऑन द स्पॉट नामांकन की अंतिम तिथि खत्म, यानी कि ऑन द स्पॉट जो एडमिशन चल रही थी मुंगेर यूनिवर्सिटी में उसका नामांकन तिथि अब खत्म कर दिया गया। और हाँ, अब 23 अक्टूबर से नहीं बढ़ाने का डेट इन लोगों ने निश्चित किया, चूंकि बढ़ाना होता तो आज ही इन लोगों ने न्यूज में दे देता कि डेट फिर से बढ़ गई है। तो इससे क्या हो सकता है कि अब जब डेट नहीं रहेगी तो इन लोगों को अब पेमेंट का ऑप्शन खोल दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट सिर्फ 8,000 वर्क ही एक साथ कर सकता है, इसलिए शायद पार्ट वन का रिजल्ट इन लोग जारी नहीं कर रहा है। देखते हैं कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा उन लोग को। एक तरह से बैड लक, बहुत ही इंतज़ार करना पड़ रहा है उन लोग को। समझ सकते हैं आप कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि उनके जो कॉमर्स और साइंस वाले का है रिजल्ट सेम ईयर का दे दिया है, और इन लोग का रिजल्ट भी बन चुका है बट रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ में आज क्या है। अंतिम दिन सीट बुक करने वाले छात्र छात्राएं अब 48 घंटे भर सकेंगे नामांकन शुल्क। मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा 20 अक्टूबर से प्रारंभ सत्र 2021-24 स्नातक पार्ट वन के लिए ऑन द स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। हालांकि सीट बुक करने वाले छात्र छात्राओं के पास नामांकन शुल्क भरने के लिए अभी 48 घंटे का समय है, लेकिन शनिवार के बाद अब कोई भी छात्र छात्राएं सीट बुक नहीं कर पाएंगे। एमयू के नामांकन समिति पदाधिकारी सर DSW डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया शनिवार को रात 12 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद कोई नई सीट बुक नहीं हो पाएगी। हालांकि वैसे छात्र छात्राएं जो शनिवार को अपने लिए सीट बुक किया है, वैसे छात्र छात्राओं को सीट बुक करने के बाद दस्तावेज सत्यापन कराकर ऑनलाइन नामांकन शुल्क भरने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। बता दें कि एमयू द्वारा सत्र 2021-24 स्नातक पार्ट वन के लिए ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से प्रारंभ की गई, जिसकी अंतिम तिथि 23 अक्टूबर शनिवार तक ही थी। इस प्रक्रिया में एमयू के 30 अंगीभूत एवं संबंधित कॉलेज के कुल 64,705 रिक्त सीटों पर 25,505 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे थे। तो ऐसे हैं। उसके बाद 27 को होगी सभी अंगीभूत कॉलेज के प्रचार्यों की बैठक। तो देखिए यहाँ पे हम बैठक हो सकती है एग्जाम से रिलेटेड लेके। एमयू के सभी 17 अंगीभूत कॉलेजों के प्रभारी प्रचार्यों की बैठक 27 अक्टूबर को अपहरण 1 बजे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में होगी, जिसमें कॉलेज स्वायत्ता प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सिंडिकेट हॉल में गतिशील और जीवंत वेब पोर्टल के साथ ERP रोहित कुमार परियोजना प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी सॉफ्ट प्रो इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसकी जानकारी देंगे, जिसमें सभी प्रभारी प्रचाय अपने कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। इसे लेकर कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय के आदेश पर कुल सचिव डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह द्वारा अधिसूचना जारी कर सभी 17 अंगीभूत कॉलेजों के प्रभारी प्रचाय को सूचना दी गई है। तो इससे देखिए सभी प्रचाय लोग, जो प्रिंसिपल लोग हैं, इन लोगों का बैठक सिंडिकेट बैठक करेंगे। तो इनसे कुछ इन लोग पता है कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ जा रहे हैं, जो कि वेबसाइट पे अपलोड करने के काम और दूसरे काम करते हैं, तो ऐसे कामों पे ध्यान देंगे। साथ ही एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम जो नवंबर में इनको लोग को कराना है, असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम, इस सबसे रिलेटेड इन लोगों ने बात करना है, और इनका एग्ज़ाम फॉर्म निकालना होगा। पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, फिर असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जो भी छात्र अभी ऑन द स्पॉट प्रक्रिया में एडमिशन करा रहे हैं, उन लोग 48 घंटे के अंदर अपना पेमेंट कर लीजिएगा, और पेमेंट करते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यदि आप 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो सीट बुक किए हैं वो रद्द हो सकता है। DJ कॉलेज इंटर सेंटअप परीक्षा स्थगित। तो देखिए यहाँ पे DJ कॉलेज का जो इंटर का सेंटअप परीक्षा चल रही है वो स्थगित हो गया। मुंगेर RD एंड DJ कॉलेज में इंटरमीडिएट बारहवीं की सेंटअप परीक्षा 25 अक्टूबर से शुरू होना था, जिसे तारापुर उपचुनाव को लेकर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। बता दें कि तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर RD एंड DJ कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया। कॉलेज के कक्षाओं को मतगणना को लेकर अधिग्रहण कर लिया गया है। कॉलेज के रसायन विभाग के विभागा अध्यक्ष डॉक्टर सूरज कोनार ने बताया कि बारहवीं की सेंटअप परीक्षा कि लगभग तैयारी पूरी कर ली गई थी। परीक्षा 25 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन तारापुर उपचुनाव के लिए महाविद्यालय को मतगणना कक्ष बनाया गया, जिसे देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की तिथि मतगणना समाप्त होने के बाद जारी कर दी जाएगी। PG सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित। BNMU ने अपरिहार्य कारणों से 28 अक्टूबर को होने वाली स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर जून 2019 की परीक्षा को स्थगित कर दिए। यह परीक्षा 22 नवंबर को पूर्व निर्धारित केंद्र व समयानुसार आयोजित की जाएगी। यह जानकारी BNMU परीक्षा नियंत्रक
आरपी राजेश ने दी। तो ये आपका सूचना था, और आप लोगों जो उनका रिजल्ट अभी पार्ट वन का जो नहीं आया, उन लोगों के लिए मैंने बताया भी था और फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी मुंगेर यूनिवर्सिटी के अगल बगल का एरिया का है, जो 2 3 4 5 किलोमीटर में है, वो लोग प्लीज़ एग्जामिनेशन कंट्रोलर में जाएँ। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है, यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाके बोलते हैं कि हमारे 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और 8 महीने से ज़्यादा समय एग्ज़ाम लिए हो गया है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, जिसमें कि रिजल्ट बनकर रेडी है, सिर्फ अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है। और आप लोग तो बार बार उनको जब तक तंग नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना कम है, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन आपके रिजल्ट के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उसे साइड कर दिया गया। तो जो भी नज़दीक का कैंडिडेट है, दूर का कैंडिडेट नहीं, वो लोग जाएं और कंट्रोलर, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उनको जाके बार बार बोलें तो आपके रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आपको ऑथेंटिक और पल पल के अपडेट मिलते रहेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।